तुम्हें भूख लगी है क्या? कुछ खाओगे तुम? अस्मा खाला से कहता हूँ कुछ बना कर ले आएंगी। नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है, शुक्रिया। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं होने दूंगा रेहान, जिसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था मेरी दादी इस हद तक पहुंच जाएंगे और जाकर हवेली पर अटैक कर देंगी वो। लेकिन तुम ये शुक्र करो कि कुछ हुआ नहीं मीरान, सब कुछ ठीक है। रेहान, तुम्हारे साथ ये सब करने वालों को हिसाब देना होगा। मैं एक एक से हिसाब लूंगा। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था मेरी दादी इस हद तक पहुंच जाएंगे और जाकर हवेली पर अटैक कर देंगी वो। लेकिन तुम ये शुक्र करो कि कुछ हुआ नहीं मीरान, सब कुछ ठीक है। रेहान, तुम्हारे साथ ये सब करने वालों को हिसाब देना होगा। मैं एक एक से हिसाब लूंगा। मैं नहीं चाहता तुम वो सब याद करो, लेकिन मजबूरी है। मुझे जानना है कि क्या तुम्हें कुछ याद है, जो भी तुम मुझे बता सको। जो भी याद आएगा मैं जरूर बताऊंगी, लेकिन सच में इस वक्त बिल्कुल हिम्मत नहीं है मुझ में, इसलिए मुझे प्रेशराइज नहीं करो अभी। हम कल आराम से बात करेंगे। ठीक कह रहे हो, एक बहुत मुश्किल दिन था आज का। अब तुम रेस्ट करो प्लीज, जब भी तुम तैयार होगी मुझे बता देना, कोई मसला नहीं है। रियान, तुम ठीक हो? मीरान, उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला और मेरी आंखों पर काले रंग की पट्टी बांध दी, फिर मुझे घसीटते हुए अपनी गाड़ी में ले गए। तीन लोगों के अलावा मैंने और कुछ भी नहीं देखा या सुना। एक वीरान सी जगह पर ले गए मुझे और सोफे की जैसी किसी चीज पर बिठा दिया। मेरी आंखों पर पट्टी थी और उन्होंने मेरी आंखें नहीं खोली। ठीक है, समझ गया रियान। सबसे पहले तुम रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, फिर मुझे शुरू से सारी बात बताओ प्लीज। तुम्हारी दादी के पीछे इसलिए गई थी कि कहीं वो मेरी फैमिली को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, गार्ड्स की जान खतरे में डाले। मैं जानता हूँ रेहान, मैं जानता हूँ, रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारा कोई कसूर नहीं इसमें, जानता हूँ मैं। मैं तो सिर्फ तुम्हारी दादी को फॉलो कर रही थी। वहां पहुंचने से पहले ही एक गाड़ी ने हमारा रास्ता रोक लिया, ड्राइवर ने उसे क्रॉस करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सका। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं रेहान, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है रेहान, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। क्या तुम्हें कुछ और याद है? सिर्फ चलने की आवाज आ रही थी, कमरे की वीरानी में सिर्फ चलने की आवाज आ रही थी। उन तीन लोगों के बाद कोई था जो चल रहा था, और फिर एक कुर्सी की आवाज आई जैसे कि कोई मेरे सामने ही आकर बैठ गया हो,
और मैंने महसूस किया कि जैसे कोई मुझे देख रहा है। बस ठीक है ठीक है ठीक है, सब खत्म हो गया, खत्म हो गया, सब खत्म। रेहान मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, रेहान कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्होंने तुम्हें अगवा क्यों किया, उन लोगों का मसला क्या था? अच्छी तरह सोचो रेहान, उन्होंने कुछ और कहा तो नहीं? अच्छी तरह सोचो रेहान, तुम्हें छोड़ने के लिए उन्होंने कुछ और तो नहीं कहा तुमसे? नहीं, कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ गाड़ी में घसीट कर लेकर गए थे, इसके अलावा कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ठीक है ठीक है, इसके अलावा कुछ और नहीं पूछूंगा, तुम थक चुकी हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। चलो तुम आराम कर लो, अभी इन सब चीजों के बारे में मत सोचो। मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, ठीक है ना? निरान ने बिल्कुल ठीक हूं, अगर उन चीजों को याद करके दुख हो रहा है मुझे, प्लीज मुझे मत याद दिलाओ, प्लीज मुझसे और कुछ मत पूछो। ठीक है मेरी जान।